यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 12। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 12। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, तू बलवा करने वाले घराने के बीच में रहता है, जिनके देखने के लिए आंखें तो है परंतु नहीं देखते, और सुनने के लिए कान तो है परंतु नहीं सुनते, क्योंकि वे बलवा करने वाले घराने के हैं। इसलिए हे मनुष्य के संतान, दिन को बंधुआई का सामान तैयार करके उनके देखते हुए उठ जाना, उनके देखते हुए अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान को जाना। यद्यपि वे बलवा करने वाले घराने के हैं, तो भी संभव है कि वे ध्यान दे। सो तू दिन को उनके देखते हुए बंधुआई के सामान की नाई अपना सामान निकालना, और तब तू सांझ को बंधुआई में जाने वाले के समान उनके देखते हुए उठ जाना। उनके देखते हुए भीत को फोड़कर उसी से अपना सामान निकालना, उनके देखते हुए उससे अपने कंधे पर उठाकर अंधेरे में निकालना, और अपना मुंह ढापे रहना कि भूमि तुझे न दिख पड़े, क्योंकि मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए एक चिन्ह ठहराया है। उस आज्ञा के अनुसार मैंने वैसा ही किया। दिन को मैंने अपना सामान बंधुआई के सामान की नाई निकाला, और सांझ को अपने हाथ से भीत को फोड़ा, फिर अंधेरे में सामान को निकालकर उनके देखते हुए अपने कंधे पर उठाए हुए चला गया। सुबह को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, क्या इस्राएल के घराने ने, अर्थात उस बलवा करने वाले घराने ने तुझसे यह नहीं पूछा कि यह तू क्या करता है? तू उनसे कह कि प्रभु यहोवा यो कहता है, यह प्रभावशाली वचन यरूशलेम के प्रधान पुरुष और इस्राएल के सारे घराने के विषय में है, जिनके बीच में वे रहते हैं। तू उनसे कह, मैं तुम्हारे लिए चिन्ह हूं, जैसा मैंने किया है वैसा ही इस्राएली लोगों से भी किया जाएगा। उनको उठाकर बंधुआई में जाना पड़ेगा, उनके बीच में जो प्रधान है सो अंधेरे में अपने कंधे पर बोझ उठाए हुए निकलेगा, वह अपना सामान निकालने के लिए भीत को फोड़ेगा और अपना मुंह ढापे रहेगा कि उसको भूमि न दिख पड़े, और मैं उस पर अपना जाल फैलाऊंगा और वह मेरे फंदे में फंसेगा, और मैं उसे कसदियों के देश के बाबुल में पहुंचा दूंगा। यद्यपि वह उस नगर में मर जाएगा तो भी उसको न देखेगा, और जितने उसके सहायक उसके आसपास होंगे उनको और उसकी सारी टोलियों को मैं सब दिशाओं में तीतर बीतर कर दूंगा, और तलवार खींचकर उनके पीछे चलवाऊंगा, और जब मैं उन्हें जाति जाति में तीतर बीतर कर दूंगा और देश देश में छिन्न भिन्न कर दूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं, परंतु मैं उनमें से थोड़े से लोगों को तलवार, भूख और मरी से बचा रखूंगा, और वे अपने घृणित काम उन जातियों में बखान करेंगे जिनके बीच में वे पहुंचेंगे, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, कांपते हुए अपनी रोटी खा, और थरथराते और चिंता करते हुए अपना पानी पीना, और इस देश के लोगों से यो कहना कि प्रभु यहोवा यरूशलेम और इस्राएल के देश के निवासियों के विषय में यो कहता है, वे अपनी रोटी चिंता के साथ खाएंगे और अपना पानी विस्मय के साथ पिएंगे, क्योंकि देश अपने सब रहने वालों के उपद्रव के कारण अपनी सारी भरपूरी रहित हो जाएगा, और बसे हुए नगर उजड़ जाएंगे और देश भी उजाड़ हो जाएगा। तब तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, यह क्या कहावत है जो तुम लोग इस्राएल के देश में कहा करते हो कि दिन अधिक हो गए हैं और दर्शन की कोई बात पूरी नहीं हुई? इसलिए उनसे कह, प्रभु यहोवा यो कहता है, मैं इस कहावत को बंद कर दूंगा
और यह कहावत इस्राएल पर फिर न चलेगी, और तू उनसे कह कि वह दिन निकट आ रहा है और दर्शन की सब बातें पूरी होने पर है, क्योंकि इस्राएल के घराने में न तो और अधिक झूठे दर्शन की कोई बात और न कोई चिकनी चुपड़ी बात फिर कही जाएगी, क्योंकि मैं यहोवा हूं, जब मैं बोलूं तब जो वचन मैं कहूं वह पूरा हो जाएगा, उसमें विलंब न होगा। परंतु हे बलवा करने वाले घराने, तुम्हारे ही दिनों में मैं वचन कहूंगा और वह पूरा हो जाएगा, प्रभु यहोवा की यही वाणी है। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, देख, इस्राएल के घराने के लोग यह कह रहे हैं कि जो दर्शन वह देखता है वह बहुत दिनों के बाद पूरा होने वाला है, और कि वह दूर के समय के विषय में भविष्यवाणी करता है। इसलिए तू उनसे कह, प्रभु यहोवा यो कहता है, मेरे किसी वचन के पूरा होने में फिर विलंब न होगा, वरन जो वचन मैं कहूं सो वह निश्चय पूरा होगा, प्रभु यहोवा की यही वाणी है।